असल में हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में और स्टडीज़ में क्लिनिकल वर्क में बिजी रहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है वो होता है कि बीच में कुछ थोड़ा सा फ़न टाइम निकले, थोड़ी सी रिलैक्सेशन का टाइम निकले, उनको टीम वर्क की इंपॉर्टेंस का पता चले, वो खुद से काम करें, ऑर्गेनाइज कराएँ, ताकि उनके अंदर टीम बिल्डिंग भी आना शुरू हो जाए। पूरा साल स्टूडेंट्स इस इवेंट का वेट करते हैं, क्योंकि ये वाइड एक्टिविटी है जिसमें सारे बिल्कुल खुल भर चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, और हर साल ये इवेंट ज़रूर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर आएँ स्पोर्ट्स वीक में और पार्टिसिपेट करें। जो स्पोर्ट्स अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, उनको एप्रिसिएशन का पता चलता है, उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पता चलता है, उनको हार के भी दोबारा से ट्राई करने की जो इंपॉर्टेंस होती है उसका पता चलता है। जो लोग नहीं खेलते कभी, उनके अंदर ये चीज़ें ज़रा रिलेटिवली कम होती हैं। तो आई वुड से कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, देव डन अ ब्रिलियंट जॉब। स्पोर्ट्स तो बहुत सी होते हैं, आई थिंक सो हर स्पोर्ट्स होना चाहिए, और बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं, जैसे रग्बी हो गया, आई हैव सीन बॉयज़ जो कहते हैं यार रग्बी भी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स सैक्रेस था वो इस दफ़ा नहीं हो सका, और इसके अलावा बाकी मेन स्पोर्ट्स आलमोस्ट सारे ही होते हैं। और लास्ट ईयर जैसे क्रिकेट नहीं था, इस दफ़ा हमने क्रिकेट भी करवाया, और इंशाल्लाह हर साल एक ना एक ऐसा स्पोर्ट्स हम ऐड करते रहेंगे, और होप सो हर आने वाला इवेंट इससे बेहतर होगा। यूजुअली क्रिकेट हमारी स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता था, इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अरसे के बाद हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया। आई एंजॉयड दैट अलॉट, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेट बहुत शौक से खेलता हूँ, और हमारी एक जनरल अगर आप देखेंगे सोसाइटी में क्रिकेट की तरफ एक रुझान बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों ने बाकी इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर, वॉलीबॉल, ये सारी गेम्स हुई। ये एक अच्छा इवेंट है, स्टडी से हट के है, सो इट्स नाइस के कुछ डिफरेंट करने को मिला है। लास्ट ईयर एक्चुअली स्पोर्ट्स गाला हुआ था जिसमें डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ज़्यादा एंथुसियाज्म और वो होता है स्टूडेंट्स के बीच में। इस दफ़ा इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स थे, डिफरेंट क्लासेस के बीच में हम लोगों ने देखे कि कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं डिफरेंट टीम्स के, जो भी कैटेगरी है उसमें डिफरेंट हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट टीम वहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कितना अच्छा खेल सकता है। आई वॉज हेयर एज अ स्पेक्टेटर। वाहिद यही वीक होता है लाइक आपकी इंटरटेनमेंट के लिए जो होना चाहिए स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है, थोड़ा बंदा नॉर्मल रूटीन से थोड़ा फ्रेश हो जाता है। मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपको खुद भी डिफरेंट मौका मिलता है कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, तो मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया इस इवेंट को। स्टूडेंट को ऑलराउंडर होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप स्टडीज़ ही करते रहें, लेकिन आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्दी होता है उनकी ग्रोथ के लिए। हमारी कोशिश है कि हम स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखें थ्रू आउट द ईयर, ऑब्वियसली इनके एग्जाम्स के दौरान नहीं, बट इन द टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर फारिग थोड़ा सा होते हैं, ये वीक के बाद इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ यू विल सी, या रमज़ान से पहले या बाद में, हम बास्केटबॉल का एक इंटर कॉलेज एट कोशिश कर रहे हैं करवाने की, इसी तरीके से हम क्रिकेट का भी इंटर कॉलेज एट कोशिश करेंगे कराने की। टू द विनर्स आई वुड से दे डन अ ब्रिलियंट जॉब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम एज वेल, और जो हारे हैं उनके लिए बकअप, दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम।